हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का फाइनल पार्ट। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं और एज यूजुअल आप उन तीनों पार्ट्स को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मिल जाएगी, सिंपली क्लिक करके देख सकते हो। या आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे चैप्टर नेम / एजुकेशनल हाइक्स करके सर्च कर सकते हो, हमारी वीडियो आपको टॉप पर मिल जाएगी। इसके पहले पार्ट 1, 2 और 3 में हमने पढ़ा कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं। हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा, हमने फिश के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा कि ह्यूमंस भी कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। मैंने उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया। अब हमने इसके पहले तक पढ़ाया था कि बच्चा जब पैदा होता है तब तक का क्या प्रोसेस है। अब बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद बड़े होने तक का, मतलब कि यंग वन टू एडल्ट होने तक का क्या प्रोसेस है, हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट 4 को। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे यार, तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको एज सून एज पॉसिबल मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम इल्ड। अब यहां पर बताया गया है कि जो कोई भी बच्चा पैदा होता है, कोई भी न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है या अंडे में से निकलता है, यही दो ही तरीका है ना। या तो हम इंसानों की तरह बच्चा पैदा करते हैं या तो पहले अंडे देते हैं फिर अंडों में से बच्चा निकलता है। तो अगर एक बार बच्चा पैदा हो गया, चाहे वो अंडे से निकला हो चाहे वो डायरेक्ट निकला हो, ठीक है, टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट, वो तब तक बढ़ता रहता है, उसका शरीर तब तक डेवलप करता रहता है जब तक वो एक एडल्ट नहीं बन जाता, जब तक वो एक यंग मैन नहीं बन जाता, ठीक है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके जो यंग वंस होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, उनके बच्चे बड़ों से काफी डिफरेंट दिखते हैं, काफी अंतर होता है उनमें। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म, जैसे ऐसे कुछ एनिमल्स हैं, जैसे मैं बता दूं सिल्क वॉर्म, अगर आपने सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले सिल्क वॉर्म अंडे देती है, एग देती है, एग से लार्वा या कैटरपिलर हम जिसे बोलते हैं वो बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फिर जाके एक एडल्ट मॉथ मतलब एक एडल्ट सिल्क वॉर्म बनता है। सिल्क वॉर्म कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जिससे हमें सिल्क का धागा मिलता है, रेशम, रेशम के धागे आप जानते होंगे, रेशम के धागे हमें किससे मिलते हैं, सिल्क वॉर्म से मिलते हैं। तो ये है सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल, सबसे पहले एग आता है, फिर एग से निकलता है लार्वा, लार्वा या कैटरपिलर हम जो भी कह लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ आती है प्यूपा, फिर प्यूपा के बाद एक एडल्ट सिल्क वॉर्म बन जाता है। जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले लें, पहले बच्चा पैदा होता है, ठीक है, फिर वो अपने चाइल्डहुड में आता है, फिर वो टीनेज में आता है, फिर एडल्टहुड में आता है, फिर उसका ओल्ड एज आता है। ऐसे ही सिल्क वॉर्म का भी डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ है। यू स्टडीड इन क्लास 7, इसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ चुके हो। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जांपल, फ्रॉग भी एक ऐसा एनिमल है जो कि क्या है, जिसके बच्चे उसके एडल्ट से काफी डिफरेंट दिखते हैं। आप मेंढक के बच्चों को देखकर पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये आगे चलकर मेंढक बनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। आप अगर फ्रॉग के लाइफ साइकिल को देखते हो पूरा शुरू से लेकर, जब फ्रॉग एग देती है और जब फ्रॉग एडल्ट बन जाता है, जब फ्रॉग एक फुल्ली ग्रोन फ्रॉग बन जाता है, ये पूरा लाइफ साइकिल जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हां सचमुच जो फ्रॉग या सिल्क वॉर्म के बच्चे होते हैं वो एडल्ट से काफी अलग दिखते हैं। जैसे यहां पर देखो फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिखाया गया है, आगे पढ़ते हैं हम। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, टैडपोल, फिर एडल्ट। हम जानते हैं कि जो फ्रॉग होता है वो अपने पूरे जीवन
जीवन काल में उसके केवल 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहला अंडा देता है, फ्रॉग क्या करता है, अंडा देता है, सबसे पहला स्टेज ऑफ लाइफ। फिर फ्रॉग आगे चलकर टैडपोल बनता है, एक अर्ली टैडपोल बनता है, उसके बाद एक लेट टैडपोल। लेट टैडपोल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया होता है, ठीक है, लेकिन कहलाता दोनों क्या है, टैडपोल ही कहलाता है। तो फ्रॉग का लाइफ साइकिल आप देख पा रहे हो यहां पर, सबसे पहले एग, फिर टैडपोल बनता है, टैडपोल के बाद जाकर ये फुल्ली ग्रोन फ्रॉग हमें मिलता है, ठीक है। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये जो टैडपोल्स हैं ये फ्रॉग से कितना डिफरेंट दिख रहा है ना, क्या आप अगर फ्रॉग को नहीं देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रॉग की फिगर यहां पर नहीं दी गई रहती और केवल आप टैडपोल को देखते, तो क्या आप बता लेते कि आगे चलकर फ्रॉग ही बनेगा, मेढक ही बनेगा, डेफिनेटली आप नहीं बता पाते, ठीक है। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड समडे बिकम फ्रॉग्स, क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि ये टैडपोल्स आगे चलकर एक मेढक बन जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ, ठीक इस फ्रॉग की तरह जो सिल्क वॉर्म, जो रेशम के धागे जो इंसेक्ट देता है ना, जब हम उसकी लाइफ स्टाइल चेक करेंगे तो जो सिल्क वॉर्म का कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर का मतलब पहले हमने बोला ना, पहले एग आता है, फिर लार्वा या कैटरपिलर आता है, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। तो अगर आप सिल्क वॉर्म के कैटरपिलर को देखेंगे या प्यूपा को देखेंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये कैटरपिलर या ये प्यूपा आगे चलकर एक एडल्ट मॉथ बनेंगे, एक एडल्ट सिल्क वॉर्म बन जाएंगे, ये आप ऐसा बता नहीं पाओगे। आगे देखते हैं क्या है, द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, कहा गया है कि ये जो मेढक के टैडपोल्स हो या सिल्क वॉर्म का कैटरपिलर हो, ठीक है, इनमें उतने फीचर्स नहीं होते हैं जितने एडल्ट होने के बाद आ जाते हैं, समझ पा रहे हो। जैसे देखो, अब यहां पर आगे बताया जा रहा है, हम समझ जाएंगे, पहले जो मैं कहना चाह रहा हूं आप इसको समझिए कि जो मेढक के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें उतने फीचर्स नहीं होते, उतनी फैसिलिटीज नहीं होती जितना एक फ्रॉग के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग जंप कर सकता है, फ्रॉग स्विम कर सकता है, लेकिन ये जो टैडपोल्स आप देख पा रहे हो, ना ये जंप कर पाते हैं ना ये स्विम कर पाते हैं। और ये जो फैसिलिटी है उन्हें कब मिलती है, जब वो एक फुल्ली फ्रॉग बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये टैडपोल्स फ्रॉग बन जाते हैं तो इन टैडपोल्स के पास क्या फीचर्स होता है, इन टैडपोल्स के पास क्या फैसिलिटीज होती है, ये हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ कुकून। आपने देखा होगा कि एक सिल्क वॉर्म जब कुकून से निकल रहा होता है, ये पर्टिकुलर फिगर देख पा रहे हो, देख रहे हो कुकून से सिल्क वॉर्म निकल रहा है, तो ये एक बहुत ही सुंदर पिक्चर होता है। जब आप देखोगे तो कुकून से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉथ, ब्यूटीफुल सा सिल्क वॉर्म निकल रहा है, ये फुल्ली ग्रोन सिल्क वॉर्म है, इसके पास सारी फैसिलिटीज हैं, अब ये एडल्ट हो चुका है, ये बड़ा हो चुका है, ठीक है। इन द केस ऑफ टैडपोल्स, और अगर वहीं हम टैडपोल्स की बात करें, मेढक के बच्चों की बात करें, दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, ये आगे चलकर एक एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं, ये जो टैडपोल्स होते हैं ये आगे चलकर एक मेढक बन जाते हैं और उनके अंदर जंपिंग और स्विमिंग जैसी फैसिलिटीज आ जाती हैं। जब ये टैडपोल्स रहते हैं तब ना तो ये जंप कर पाते हैं ना तो ये स्विम कर पाते हैं। आगे चलते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इंटू एन एडल्ट दो ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है मेटामॉर्फोसिस की। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता क्या है, आप ट्रिक से याद कर सकते हो, फोसिस का मतलब प्रोसेस या चेंज, मेटामॉर्फोसिस का मतलब बहुत ही बड़ा चेंज। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी लैंग्वेज में देखते हैं तब हम कहते हैं कि वो एनिमल, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस कर गया। जैसे देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा
इनटू एन एडल्ट। आप ये देख पा रहे हो, लार्वा जब एडल्ट में बदल जाता है, इसी पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। समझ में आया? जब लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है और उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं, बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं, हम उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब ये देख पा रहे हो, ये टैडपोल फ्रॉग बन गया, इसमें कितना चेंजिंग है, ये पूरा बहुत बिल्कुल बदल गया है ना। तो इस प्रोसेस को, चेंजिंग ऑफ टैडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग, इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। समझ में आया? नाउ आगे पढ़ते हैं, व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम मनुष्यों के शरीर में भी तो अंतर आते हैं ना। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे पास 32 टीथ्स नहीं होते हैं, 32 दांत नहीं होते हैं। हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे मुंह में 32 दांत आ जाते हैं, ठीक है। हमारी जो आवाज रहती है वो बहुत पतली रहती है, बहुत सुरीली रहती है जब हम बचपन में रहते हैं तो, लेकिन वहीं बड़े हो जाते हैं तो हमारी आवाज कड़क हो जाती है। तो ये सारी चेंजेस आती है ना, तो क्या हम इसे भी मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या आपका ये सोचना है कि हमारा मनुष्य का शरीर भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस करता है या नहीं करता? तो मैं आपको बता दूं कि इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। क्योंकि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं करते, छोटे मोटे बदलाव करते हैं। हम जब पैदा होते हैं, हमारे पास दो हाथ, दो आंख, दो नाक और एक नाक और दो कान रहते हैं, और वही जब हम बड़े होते हैं तब भी यही रहता है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए हम ह्यूमन जो होते हैं मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं, एक दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट धीरे-धीरे डेवलप होता है और वो आगे चलकर एक फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म, एक फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल बन जाता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो चलिए जानते हैं। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स। हमने अब तक क्या जाना, हमने देखा कि जो कुछ जाने माने जानवर हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इंसान हो गए, इन सब के रिप्रोडक्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये मेल और फीमेल मिलके रिप्रोड्यूस करते हैं, कम से कम एक मेल चाहिए होगा और एक फीमेल चाहिए होगा, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बट वॉट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा? क्या आप जानते हैं कि जो बहुत छोटे छोटे जो सिंगल सेल के जीव होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा प्लांट और एनिमल दोनों में आता है, तो जो हाइड्रा है या जो अमीबा है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? क्योंकि भाई इनमें सिंगल सेल ही होता है और ना इनका कोई दूसरा मेल और फीमेल इनमें नहीं होता, ये एक ही कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा और अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने बच्चे पैदा कैसे करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। डू यू नो हाउ रिप्रोड्यूस? क्या आप जानते हैं कि ये अमीबा और ये हाइड्रा बच्चे पैदा कैसे करते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। अब एक्टिविटी है आपके लिए 9.3, इसमें क्या है, इस पूरे एक्टिविटी में गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। आप क्या करो, ये जो हाइड्रा, ये हाइड्रा देख रहे हो, ये हाइड्रा एक्चुअली पानी में पाया जाता है और इसको एनिमल और प्लांट दोनों में गिना जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने बायोलॉजी लैब में जाएंगे और वहां से बायोलॉजी लैब में स्लाइड्स रहती हैं, मैंने बताया था ग्लास स्लाइड्स, मैंने दिखाया था आपको, वो स्लाइड किसी परमानेंट हाइड्रा का स्लाइड लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, ऑब्जर्व देम यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। अब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखिए, आप क्या देखोगे, लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। आप देखोगे कि जो पेरेंट बॉडी है, मतलब ये जो फुल्ली ग्रोन हाइड्रा है, इसमें धीरे धीरे से बल्जेस निकल रहे हैं, ये देख रहे हो आप, यहां पर कुछ निकल रहा है, इसको बोलते हैं बल्जेस। तो काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस। अब आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपको
तीन अलग अलग स्लाइड में हाइड्रा को देखना है और आपको गिनना है कि हाइड्रा ये कितने बल्जेस निकाल रही है। जैसे यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर एक पूरा निकल गया बट बल्जेस 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। और आगे चलकर आपको ये भी इसमें ऑब्जर्व करना है कि इन बल्जेस की साइज क्या है, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी एक्टिविटी। इस पूरी एक्टिविटी में हमें केवल दो चीजें करनी है। एक चीजें पता करनी है कि डिफरेंट स्लाइड्स में, अलग अलग स्लाइड्स में कितने नंबर ऑफ बल्जेस निकल रहे हैं। जैसे यहां पहले वाले में भी एक, दूसरे वाले में भी एक, तीसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, इसका नंबर काउंट कर लीजिए, इसकी साइज क्या है आप बता दीजिए, वो एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। हम देख सकते हैं कि हर हाइड्रा में या तो एक बल्जेस होगा या तो हो सकता है बहुत सारे बल्जेस हो, मतलब बहुत सारे उभरे हुए यहां पर चीजें दिख रही हो। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बड्स। इन बल्जेस को हम क्या कहते हैं, इन बल्जेस को हम बड्स कहते हैं। और बड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन पेरेंट बॉडी से निकल रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बड्स इन ईस्ट। आप जानते हो कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, आप जानते हो ईस्ट के बारे में। ईस्ट जो होता है वो भी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बड्स, बडिंग मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, उसके भी बॉडी से हाइड्रा की तरह। आप देख पा रहे हो हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक पेरेंट बॉडी है, आगे चलकर एक नया इंडिविजुअल बन जा रहा है और ये कुछ हफ्तों बाद यहां से अलग हो जाएगा और एक नया फुल्ली ग्रोन हाइड्रा बन जाएगा। और सेम इसी तरीके से ईस्ट भी रिप्रोड्यूस करता है, समझ गए। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एस आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। जैसे ईस्ट में एक पेरेंट से दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकता है, वैसे ही ये हाइड्रा में भी एक पेरेंट से दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा बच्चे पैदा करने का मेथड जिसमें केवल एक पेरेंट चाहिए होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वैसे इसमें मेल और फीमेल तो होते नहीं है, केवल एक पेरेंट जिस भी रिप्रोडक्शन में चाहिए उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आया, एसेक्सुअल याद तो रहेगा ना, सेक्सुअल मतलब दो लोग चाहिए, एसेक्सुअल मतलब एक लोग चाहिए, समझ गए। ए का मतलब होता है ये एक, तो एक पेरेंट चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए, तो इस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा दिस टाइप ऑफ एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। अब हम जानते हैं कि ये जो हाइड्रा है वो बर्ड्स डेवलप करता है और यही बर्ड्स आगे चलकर एक फुल्ली ग्रोन हाइड्रा, मतलब एक फुल्ली ग्रोन हाइड्रा का बेबी आप बोल सकते हो, वो बन जाता है। और इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। समझ में आया, आगे चलते हैं। अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि ये अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर हमें चीजें समझ में ना आए तो फालतू है ना, तो चलिए मैं आपको इमेज से ही बता देता हूं अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। अमीबा आप देख रहे हो फिगर नंबर ए में, इसका एक न्यूक्लियस है। अब आगे चलकर फिगर नंबर बी में ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तीसरे फिगर में न्यूक्लियस के साथ साथ इसकी बॉडी भी डिवाइड हो गई, और फोर्थ फिगर में एक अलग ये अमीबा बन गया, एक दूसरा अमीबा बन गया। तो एक है पेरेंट अमीबा और एक है डॉटर अमीबा। समझ में आ रहा है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन का जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूं कि दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स,
खुद के बॉडी को दो भागों में विभाजित करके जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इस मेथड को हम बाइनरी फिजन एसेक्सुअल मेथड कहते हैं। समझ में आया? अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग बडिंग एंड बाइनरी फिजन, देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। अब बडिंग और बाइनरी फिजन, बडिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, और बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है। इन दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के अलावा काफी और भी एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। यू विल स्टडी अबाउट दीज इन योर हायर क्लासेस। इन एसेक्सुअल मेथड के बारे में बाइनरी फिजन और बडिंग तो हमने यहां पर पढ़ लिया, और भी काफी होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहीं पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो लेकर आएंगे। और मुझे पता है कि इसके पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उनके भी मैंने कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स नहीं अपलोड किए हैं, तो मैं एज सून एज पॉसिबल अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक इस वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।